नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल उषा मिश्रा के हमारा किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी। आपने सब्जियां तो बहुत खाई होगी, लेकिन ये सब्जी बिल्कुल स्पेशल है, अलग तरीके से बनेगी। और इस सब्जी को हम बनाएंगे फ्रूट्स से। तो वो फ्रूट्स है नाशपाती। नाशपाती की सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनती है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल बटन भी प्रेस करें, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो इसके लिए मैंने ये चार नाशपाती ली हुई है और इनको मैंने अच्छे से धुल लिया है, साफ कर लिया है। और हमें कुछ इस तरीके की नाशपाती चाहिए, बहुत ज़्यादा छोटी नहीं चाहिए, मीडियम साइज की ले सकते हैं, इससे थोड़ी सी बड़ी ले सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा दिन की रखी हुई नहीं होनी चाहिए। तो इसको हम सबसे पहले छील लेते हैं और ये बड़ी आसानी से छिल जाएगी। तो बस इस तरीके से हमें सब छील लेनी है। तो हम ऊपर का पोर्शन हटा देंगे और हटाने के बाद इसको छील लेंगे कुछ इस तरीके से। आप चाकू से भी इसको छील सकते हैं। तो देखिए, मैंने इनको छील लिया है और अब हम इनको काट लेंगे। तो काटने के लिए हमें इनको तरासना है, बीज से कट बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि बीज में जो बीजे होते हैं, यदि वो बीज आ गए तो सब्जी का टेस्ट खराब हो जाएगा। तो बस इस तरीके से हम तरास लेंगे और ये जो बीज का भाग बचा है इसको हम फेंक देंगे। तो बस इसके हमें कुछ टुकड़े करने हैं, तो बहुत ज़्यादा छोटे टुकड़े नहीं करने हैं, बस इस तरीके के टुकड़े करने हैं, जिस तरीके से आप आलू के टुकड़े करते हैं बस उसी तरीके से करने हैं। देखिए, इस तरीके के टुकड़े करने हैं। तो हम सब इसी तरीके से कर लेंगे टुकड़े। तो देखिए, मैंने चार ली थी, ये चारों मैंने काट ली है और इनको हमें झटपट बनाना है, ज़्यादा देर नहीं रखना है, क्योंकि ज़्यादा देर रखेंगे तो ये काली पड़ जाएगी। पर यदि आप ज़्यादा देर रखना चाहते हैं तो पानी में डालकर रखें और थोड़ा सा नमक डाल दें उसमें। तो देखिए, हम कढ़ाई रखते ही इसमें देसी घी डालेंगे सबसे पहले, और देसी घी गर्म हो गया है और इसमें हम ये नाशपाती के टुकड़े डाल देते हैं और इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे। दोस्तों, कोई भी सब्जी हो, यदि मन से बनाई जाती है तो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो देखिए, मैंने इसको 2 मिनट के लिए ढक दिया था और बीच बीच में इसको हम चलाते रहेंगे जिससे कि ये जले ना और थोड़ा अच्छे से फ्राई हो जाए। तो अब इसमें हम डाल देते हैं आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच नमक डाल देते हैं। नमक अभी हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि मसालों के बाद हम इसमें नमक डालेंगे। अच्छे से देखो, इसको मिक्स कर देते हैं और इसमें हम डाल देते हैं आधा कप पानी, जिससे कि ये पक जाए, क्योंकि ये बहुत देर में पकती है, इसको पकने में समय लगता है। जब तक ये पक रही है हम मसाला तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने प्याज लिया है, अदरक ली हुई, हरी मिर्च, टमाटर लिया हुआ है और लहसुन लिया हुआ है। इन सबको हम एक साथ पीस लेंगे। आप चाहें तो इनको अलग अलग पीस सकते हैं। तो इसमें हम अदरक डाल देते हैं, ये हरी मिर्च डाल देते हैं और अब इसमें डाल देते हैं खड़े गर्म मसाले, उसका इसमें टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो देखिए, मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। इसमें हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि टमाटर और प्याज में पानी होता है और ये अच्छे से ग्राइंड हो जाता है। तो देखिए, हम इसको चेक कर लेते हैं। तो अभी पूरी तरीके से नहीं पकी है, तो इसको हम अभी 2 मिनट के लिए और पका लेते हैं। तो इसको हमें 90% पकाना है। तो बस इस तरीके से हम इसको पका लेंगे। तो ये अच्छे से पक गई, ट्रांसपेरेंट हो गई है, आप देख सकते हैं। तो इसको हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं और बर्तन को हम ढक कर रखेंगे, खुला बिल्कुल नहीं रखेंगे। तो अब हम इसी कढ़ाई में ऑयल डाल देते हैं। तो मैंने इसमें डाला है सरसों का तेल और तेल गर्म हो गया है, तो इसमें हम हींग डाल देते हैं और अब हम ये प्यूरी डाल देते हैं जो मैंने ग्राइंड की हुई है। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम ढककर पकाएंगे, क्योंकि मसाले यदि ढककर पकाए जाते हैं तो सब्जी में 4 गुना टेस्ट बढ़ जाता है। इसलिए जब भी आप सब्जी बनाएं तो इस मसाले को ढककर पकाएं और गैस का फ्लेम लो कर दें, जिससे कि ये मसाले जले ना और बीच बीच में चेक करते रहें। तो बस इसी तरीके से हमें ढककर पकाना है, थोड़ी थोड़ी देर में हमें चेक करना है। तो आप देख सकते हैं कि ऑयल इसमें थोड़ा ऊपर आ गया। तो इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर,
चौथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं। चौथाई चम्मच हम इसमें नमक डाल देते हैं क्योंकि नमक हम पहले डाल चुके हैं। और अब हम इसमें 3 चम्मच भर करके इसमें हम दूध की जो क्रीम निकलती है उसको डाल देंगे, मलाई को। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके हम इसमें डाल देते हैं। बराबर हम इसको चलाएंगे जिससे कि मलाई फटे ना। तो देखिए, आप चाहें तो इसमें दही डाल सकते हैं, दही का भी टेस्ट इसमें बहुत बढ़िया आता है। तो देखिए, मसाला भूनते हुए हमें 5 मिनट हो गए हैं और मसाला बहुत अच्छे से भून गया है। किनारों से इसको हटाते रहें जिससे कि ये जले ना। तो आप देख सकते हैं कि मसाले का कलर कितना बढ़िया आया है और बहुत अच्छे से पक गया है। तो इसमें हम डाल देते हैं पानी। तो आप कैसी ग्रेवी पसंद करते हैं उस हिसाब से पानी डालें। इसमें मैंने 1/2 गिलास पानी डाला हुआ है। अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसको ढक करके हम 2 मिनट के लिए पकने देंगे। 2 मिनट में देखिए ये अच्छे से पकने लगी है। तो अब हम इसमें, तो ग्रेवी अच्छी रहेगी, इसमें हम डाल देते हैं अब ये नाशपाती के टुकड़े। मिक्स करेंगे। और ढककर इसे 5 मिनट हम पकने देंगे। गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे जिससे कि बहुत अच्छे से पक जाए। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर से इसमें ऑयल आ गया है और सब्जी का कलर भी बहुत बढ़िया आया है। तो अब हम क्या करते हैं कि अभी हमें थोड़ा सा इसे पका लेना है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं धनिया पत्ती। इसमें धनिया पत्ती का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो इसमें कस्तूरी मेथी भी डाल सकते हैं। तो है ना लाजवाब सब्जी। तो इसको अभी हम ढक देंगे 1 मिनट के लिए जिससे कि इसमें हरी धनिया का भी फ्लेवर आ जाए। आप चाहें तो बाद में भी डाल सकते हैं। तो देखिए, गैस का फ्लेम मैंने 2 मिनट के लिए बंद कर दिया था। तो आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया कलर आया है और ये सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। खट्टी मीठी सब्जी है। हमें पूरी उम्मीद है आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। आप एक बार ज़रूर इसको बना करके देखें। तो दोस्तों, ये हमारी बढ़िया सी सब्जी बनकर तैयार है। तो इस सब्जी को आप रोटी के साथ, पूड़ी के साथ, पराठा के साथ, दाल चावल के साथ खा सकते हैं। तो दोस्तों, यदि ये हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।